बार आप किरण आप चेक करेंगे आईआरबी इंफ्रा, मैं टिपिकली इसको एक क्वार्टर के लिए नहीं बल्कि दो चार क्वार्टर्स के लिए छोड़ के लिए रखना चाहता हूँ, तो क्या है ठीक है इस रेट पे इसको प्लस करना? टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका ज़रा चेक कर लीजिए आप। सॉरी, इंफ्रा की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट तो डेफिनेटली है, लेकिन इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखोगे, मंथली चार्ट है तो वीकली चार्ट, तो काफी लंबे समय के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है आफ्टर जो भी कॉर्पोरेट एक्शन थे उसके बाद के जो प्राइसेस है उसके हिसाब से 30 रुपीज इसका क्लस्टर रजिस्टेंस था, उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन किया तो 30 रुपीज वाला आज 42 के आसपास है। अब वापस अगर डेली चार्ट के ऊपर आते हैं तो स्टॉक पिछले 15 दिन से एक टाइम वाइज करेक्शन या तो एक छोटी सी रेंज के अंदर है, नीचे आप देखोगे तो 38 और ऊपर में 42 इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं 40 के आसपास और 38 40 से 38 के बीच में इसकी 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज है, तो मेरे हिसाब से डिप में लेना चाहिए अगर आपको 2-3 क्वार्टर या तो 1 साल के लिए आईआरबी इंफ्रा लेना हो, तो मेरे हिसाब से 38 या तो 40 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए, ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 37 के नीचे का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप यहाँ पे 50 रुपीज से 55 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली डिप में बाई कीजिए 37 के स्टॉप लॉस के साथ।